शिखर नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म भूल भुलैया 3 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस कर लिया है। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का शानदार संग मेला भूल कर लिया है, जिससे से ये कार्तिक की चौथी कामयाब तरीन फिल्म बन गई है, जिसने 100 करोड़ क्लब में अपनी जगह बना ली है। आज की इस वीडियो में इसी हवाले से अपडेट्स देंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि वो कार्तिक आर्यन की कौन सी चार फिल्में हैं जिन्होंने 100 करोड़ का शानदार संग मील अबूर किया है। ये मुकम्मल अपडेट्स हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे, तो जल्दी से वीडियो का आगाज करते हैं, चैनल में आपको वेलकम करते हैं। गाइज, आपको बताते चले कि 1 नवम्बर को रिलीज होने वाली फिल्म भूल भुलैया 3 ने शानदार संग मील अबूर कर लिया है। 100 करोड़ के क्लब में ये फिल्म दाखिल हो चुकी है, जिसने कार्तिक आर्यन को उन स्टारों में शामिल कर दिया है जिनकी फिल्म में 100 करोड़ क्लब से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी हैं। और ये कार्तिक आर्यन की चौथी फिल्म बन चुकी है जिसने ये शानदार संग मील अबूर किया है। और कार्तिक आर्यन की मुसलसल मकबूलियतें इन्हें बॉलीवुड के इन सितारों में शामिल कर रही हैं जो बॉलीवुड के बाएतबाद सितारे हैं। इन सितारों में अमिताभ बच्चन, वरुण, आयुष्मान खुराना और अभिषेक शामिल हैं। और अब कार्तिक आर्यन की वो कौन सी चार फिल्में हैं जो ये शानदार संग मील अबूर कर चुकी हैं और जिन्होंने इस कदर कामयाबी हासिल की है, ये भी आपको अपडेट्स देती हैं। गाइस, सबसे पहले आपको बताती हैं भूल भुलैया 3 जो कार्तिक आर्यन की ताज़ा तरीन फिल्म रिलीज हुई है। इस फिल्म में अदाकार ने अपने मजाक और खौफ से यकजा होकर शायकीन को खूब महफूज किया है। भूल भुलैया 2 जिसमें जो कार्तिक आर्यन की पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म थी, जिसने इन्हें घरेलू नाम दिया है। इसी के साथ अगर बात करें कार्तिक आर्यन की तीसरी फिल्म की, तो वो है लुका छुपी, जिसमें उन्होंने कीर्ति सनान के साथ रोमांस और मजाक की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही। चौथी फिल्म है कार्तिक आर्यन की सोनू के टीटू की स्वीटी। इसमें कार्तिक आर्यन ने अपनी मजाहिया अदाकारी से इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया है। कार्तिक आर्यन की मुसलसल मकबूलियत से ये साबित हो रहा है कि वो एक ऐसे बाएतमाद स्टार है जो बॉलीवुड के मुख्तलिफ किरदारों में अपनी सलाहियत को बनवा सकती हैं और वो बॉलीवुड के एक बेहतरीन अदाकार हैं जो इस तरह के तमाम किरदार अदा कर सकते हैं। तो गाइज, ये थी आज की मुकम्मल वीडियो जिसे आपके साथ शेयर किया है। वीडियो को जानकर कैसा लगा कमेंट्स में आप हमें बता सकती हैं। कार्तिक की इस कामयाबी के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, इस हवाले से भी आपने हमें फीडबैक लाजमी देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ का नोटिफिकेशन हासिल करें। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में एक नए व्यक्ति के साथ। तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।